अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री. टुडे वी आर स्टार्टिंग आर डे थ्री विथ सब्जेक्ट इंग्लिश ए. वी आर डूइंग पोइम प्ले टाइम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्क पेज ऑफ प्ले टाइम पेज नंबर 24. फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम फॉर द फॉलोइंग. आपने इनसे मिलते जुलते वर्ड्स को करना है और आपने अपनी कॉपी को इस तरह रेडी करना है. प्ले टाइम आपने पोइम और उसका नेम लिख कर यहाँ पर लिख लेना है वर्ड्स और लाइन लगा कर आपने उसके सामने लिखना है राइमिंग वर्ड्स और फिर उसको लिखना है जैसे ओल्ड गोल्ड सेंटर में लाइन लगाकर आपको फिर लिखना है इस तरह लाइन लगेगी. यहाँ आप लिखेंगे ओल्ड उसके सामने उसका राइमिंग वर्ड गोल्ड. इस पैटर्न से आपको बाकी सारे करने हैं और अपनी इनको याद भी करना है. नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग आपकी बुक पे नोट्स में मैंने इनका आंसर लिखा हुआ है. ग्रैप्ड कैप्चर्ड स्नूज्ड डोज्ड प्रिटेंड एक्ट डिफीटेड फाइट बीटन बैटल फाइट. मैच द फॉलोइंग एज ग्रीन एज ग्रास एज वाइट एज स्नो एज प्राउड एज अ पीकॉक एज शार्प एज अ नीडल एज ओल्ड एज अ हिल एज फ्रेश एज अ डेज़ी. आगे वर्क पेज 25 आ जाता है आपके पास. उसमें आपने अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट. इसमें से आपने एडजेक्टिव जो है उनको करना है. एडजेक्टिव टेल अस समथिंग अबाउट अ नाउन. एडजेक्टिव जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नाउन जो है वो मतलब क्या कर रहा है या वो क्या एक्शन कर रहा है जैसे या उसकी क्वालिटी क्या है. जैसे द मैड बीस्ट वॉज असलीप. इसलिए हमारे पास जो है मैड वो है ये उसकी क्वालिटी या खामी है तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है. आई क्रेप पास द ट्विस्टेड बशेस. यहाँ पे आपका ट्विस्टेड है इसको आपने अंडरलाइन करना है. हैप्पीली वी मंच्ड ऑन द बिग टेस्टी एप्पल. अब ये जो इसका बिग और टेस्टी है एप्पल्स की क्वालिटी है तो ये आपके एडजेक्टिव है. यहाँ पे मैड है. थर्ड इज एड सूटेबल एडजेक्टिव टू द फॉलोइंग यूजिंग द लेटर गिवन. अब आपने यहाँ पे ऐसे एडजेक्टिव सूटेबल यूज करने हैं जिनके सेंस बनती है. जैसे मैंगो. मैंगो क्योंकि खाने वाली चीज़ है तो आप यहाँ लिखेंगे एन एडिबल मैंगो. सेकेंड इज आ डैश किटन. आ क्यूट किटन ये उसकी खसूसियत होगी उसकी जो है वो क्वालिटी है. एक्ट्रेस इज अमेजिंग एक्ट्रेस. फोर्थ है आ डैश लेटर. आ ब्लैक लेदर क्योंकि लेदर फिर उसकी क्वालिटी ब्लैक आ जाएगी. फिफ्थ है आर डैश सेल्समैन. आ टॉल या टेरिबल सेल्समैन. एफ है एन डैश डकलिंग एन अगली डकलिंग. तो ये आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे. आपकी ये सारे क्वेश्चन जो हैं बुक पे सॉल्व होंगे और आपके आंसर इनके मैंने यहाँ मेंशन किए हैं आप इधर से देख कर इनको लिखेंगे और अच्छी तरह से याद भी करेंगे. Our next subject is science and we are doing unit number 3. In previous lecture we have completed it reading and today we are going to start answer these following questions. आपने अपनी कॉपी को इस तरह रेडी करके यूनिट नेम नंबर लिखकर ऊपर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन लिखकर स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू एनिमल यूज देयर सेंसेस ऑर्गन फॉर. जो एनिमल्स हैं वो अपनी सेंस ऑर्गन जो है वो किस लिए यूज करते हैं. एनिमल यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर. वो खतरे के लिए के खतरा फील करने के लिए भी अपने सेंस ऑर्गन यूज करते हैं और जब वो खाने की तलाश में जाते हैं तब भी. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल हैपन टू एन एनिमल इफ इट डज नॉट ईट और ड्रिंक. जब कोई एनिमल खाएगा या पिएगा नहीं तो उसके साथ क्या होगा. इफ एन एनिमल डज नॉट ईट और ड्रिंक इट विल डाई. वो मर जाएगा. थर्ड इज विच ऑर्गन हेल्प अ फिश टू ब्रीथ. कौन सा ऑर्गन है जो फिश को ब्रीथ करने में हेल्प करता है. एनिमल्स और लिविंग थिंग्स का हमने देखा है कि नोज होते हैं प्लांट्स के जो होता है स्टोमेटा होता है तो फिश जो है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश जो है वो अपनी गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है. ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिख कर इनको अच्छी तरह से याद भी करना है. हमारा अगला सबक है उर्दू है और इसमें हम पढ़े हैं नज़म कछुए. पिछले हमने लेक्चर में 4 क्वेश्चंस किए थे इसके. आज हमें 5 और 6 वाला भी कंप्लीट करना है. कॉपी पे आपने लिखना है कौन से कछुए वजन और कद में छोटे होते हैं. कीचड़ के कछुए वजन और कद में छोटे होते हैं. आपके ख्याल में कछुए की खास बात क्या है. कछुए की खास बात उसकी हड्डी का खोल है जो उसे बहुत से खतरों से महफूज रखता है. ये दोनों क्वेश्चन आपने कॉपी में लिख करके आपने नेक्स्ट अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन करना है. यहाँ पे है दुरुस्त हरूफ इस्तेमाल करके लिखिए. अब यहाँ पे उन्होंने आपको आगे हरूफ तहजी दिया. आपने जो सूटेबल है उसको करना है. जैसे
मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो आप हम पता है कि क्या है, कुरान जो है वो काफ दूसरे वाले कैंची वाले से लिखते हैं, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। 1 किलो कीमा, कीमा में भी हम यही वाला काफ यूज़ करते हैं, आपके मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। 3rd इज़ मुझे गुलाब का फूल आ दो, उसमें हम काफ जो है वो डंडे वाला यूज़ करते हैं। और 4th/3rd है दादा जान खानदान में सबसे बड़े हैं। 4th/5th है मैं अपनी ख़राब लिखाई को बेहतर कर रही हूँ। अल्लाह की बनाई ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपने अपने नोट से देखकर इनको यहाँ पे सेंटेंसेस आगे बना के लिख देना पूरा।